प्रदेश में मौसम ठंडा है मगर राजनीति गर्मा गई है। यूपी की पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हेड को गिरफ्तार किया तो समाजवादी पार्टी ने हंगामा शुरू कर दिया। सुबह सुबह ही पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे। अखिलेश ने यहां पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिसकर्मियों ने चाय ऑफर की तो बोले कि आपकी चाय नहीं पिएंगे, क्या पता जहर मिला हो। नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है। लखनऊ का तापमान भले ही गिरा था मगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का तापमान चढ़ा हुआ था। वो नाराज थे यूपी की सरकार से, यूपी के मुख्यमंत्री से, यूपी के पुलिस वालों से। सवेरे सवेरे अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। पुलिस वालों ने कहा कि मौसम सर्द है, आइए चाय पिलाते हैं। बोले आप वाली नहीं पियेंगे, जहर दे दिए तो। अगर खुल गया हो कोई जगह खुल गई तो चाय ना बाहर जाने नहीं पिएंगे चाय। यहाँ की चाय नहीं पिएंगे, बाहर की पिएंगे या हम अपनी लाएंगे तब आपका ले लेंगे। प्लास्टिक का जो होगा हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब। हाँ नहीं नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाय, आप भी पीजिए हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए हम अपनी पीजिए। अखिलेश इसलिए नाराज थे क्योंकि समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल चलाने वाले मनीष जगन अग्रवाल को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जगन पर आरोप था कि उन्होंने अभद्र टिप्पणियां की हैं, मगर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि यूपी का पुलिस प्रशासन बीजेपी हो गया है, उन्हीं के इशारे पर काम कर रहा है। मैंने पहले कहा पूरा पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी बन गया है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। जगन अग्रवाल को पुलिस ने हजरतगंज से सुबह सुबह ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोला। देखिए लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में 3 FIR दर्ज करवाई गई अलग अलग तारीखों में बीते 2 से 3 महीने में, और हाल ही में बीजेपी की जो सोशल मीडिया प्रभारी है महिला, उन्होंने FIR दर्ज कराई। उसी जो 3 FIR दर्ज कराई गई उसी में गिरफ्तारी की गई। आज समाजवादी पार्टी के जो सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट चला रहे थे जगन अग्रवाल, इनको गिरफ्तार किया गया है। इसी के विरोध में आज सपाध्यक्ष अखिलेश यादव यहां DGP ऑफिस पहुंचे हुए हैं, और यहां पर पहुंचने के बाद जैसे ही उनके पहुंचने की खबर यहां लगी तो समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत तमाम विधायक भी यहां पर पहुंचने लगे हैं, और उनका सीधे से कहना है कि सोशल मीडिया पर जो टिप्पणी की गई, जो FIR दर्ज करवाई गई, वो एक तरीके से लोकतंत्र का दमन किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। ये अलग बात है कि 3 FIR इस मामले को लेकर के दर्ज करवाई गई, और ये देखिए DGP मुख्यालय के गेट नंबर 1 पर, जो गेट नंबर 2 है, जो मेन गेट है, वहां पर हंगामा है, गेट बंद कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए हैं, तमाम नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। अखिलेश आरोप लगाते हैं कि पुलिस मुख्यालय जब वो पहुंचे तो वहां कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं था। अखिलेश मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई वैसी ही गिरफ्तारी बीजेपी वालों की भी हो जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय पे कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं था, जो पहुंचे थे उनसे पुलिस अधिकारी कोई जिम्मेदार नहीं था। हमारी जो मांग थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कौन कौन लोग हैं वो लोग? हमने तहरीर दी है। मुख्यालय में बड़े अधिकारियों के ना होने का आरोप अखिलेश ने लगाया तो यूपी पुलिस ने अखिलेश को जवाब दिया। एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज DGP मुख्यालय पे आए थे, क्योंकि वो खुद माननीय विधायक हैं और उनके साथ कुछ अन्य माननीय विधायकगण भी मौजूद थे। उनको प्रवेश दिया गया तथा अन्य लोगों की को प्रवेश नहीं दिया गया, क्योंकि आज संडे का दिन था तो कोई भी यहां सभी लोग मौजूद नहीं रहते, आवश्यकता अनुसार अधिकारी ही यहां पे उपलब्ध रहते हैं। यूपी पुलिस के जवाब से पहले अखिलेश ने एक और आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार में न्याय की गुंजाइश नहीं है। रमाकांत यादव विधायक पूर्व सांसद, उन पे मुकदमे कब के थे, उन्हें जेल भेज दिया,
दीपक यादव उन्हें जेल भेज दिया झूठे मुकदमे लगा करके। तो ये बड़े नेता से लेकर के छोटे नेता, या आपने कानपुर की घटना देखी हो, इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय की उम्मीद मत करिए, ये झूठों के साथ हैं, जो अन्याय करते उनके साथ हैं। अखिलेश भले ही यूपी पुलिस और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मगर यूपी की पुलिस कह रही है कि कानून के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। अभियोग तथा मीडिया सेल के खिलाफ दो अन्य अभियोग पंजीकृत हैं, जिसकी विस्तृत विवेचना इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट तथा सर्विस प्रोवाइडर से सभी सूचनाएं एकत्रित करने के बाद से उसकी गिरफ्तारी की गई है। उनको ये भी जो विभिन्न धाराएं उन अभियोगों की हैं उसके बारे में भी अवगत कराया गया। पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है वो विधिक एवं नियमानुसार की गई है, मगर समाजवादी पार्टी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो आरोप लगा रही है कि जानबूझकर विपक्ष को सरकार पुलिस के माध्यम से निशाना बना रही है। आवाज को दबाने का दुस्साहस है। महिला नेता ने FIR लिखाई है, जो उसने लिखाई है FIR में बलात्कार करेंगे, इस तरीके से बातें लिखाई गई FIR में। जब अभी आप ही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की बात कर रहे हैं, तो महिला कहां से आ गई? इसका मतलब है ये कुल मिलाकर के मामले को गोलमोल करके विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास है, इसके सिवा कुछ नहीं। अभद्र पीठ के मामले में समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया के मुखिया जेल में है। जाहिर सी बात है इस मसले पर सियासत अभी और गर्माएगी। समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार, लखनऊ आज तक।